हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बॉन्गोल। दिस इज द बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग फॉर एएमयू जमे एंड बीएचयू एंट्रेंस प्रिपरेशन। सो मस्ट ज्वाइन आवर लाइव बैच फॉर अ बेटर प्रिपरेशन। माई सेल्फ संदीप एंड आई एम परसुइंग बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सो आज हम कक्षा 11th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, तो आज हम उसको फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। तो हम लास्ट टाइम में क्या क्या देखे थे? लास्ट टाइम स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार रिकैप करना चाहूँगा। ठीक है, हाँ शिफा बोलो, लास्ट टाइम में हमने क्या क्या कौन कौन सा फार्मूला पढ़ा था? लास्ट टाइम में करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे फार्मूले याद होने चाहिए। हेलो, एम आई ऑडिबल शिफा? शिफा रिस्पॉन्ड करो, तभी तो मैं जान पाऊंगा ऑडिबल ना। हाँ तो रिस्पॉन्ड करो। देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में? पहले हमने ये देखा था कि करंट कब पैदा होगा, क्यों पैदा होगा, किसकी वजह से पैदा होगा। तुम फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने पर ही करंट पैदा होगा। और हमने करंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब कितने इलेक्ट्रॉन से क्यू पैदा होगा? तो हमने देखा था क्यू इज इक्वल टू एनी। ये देखा था, देखा था। यस सर। हाँ, अगर कोई बॉडी है, अगर बॉडी है उसमें रगड़ देंगे उसको, तो अगर मान लो निगेटिवली चार्ज हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? उस पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। और अगर वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं। ऐसी बात हमने करी थी। उसके बाद हमने क्या, किसके बारे में बात करी थी? रेजिस्टेंस के बारे में बात करी थी। किसके बारे में बात करी थी? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या होता है बताना जरा। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। वो क्या करता है? फ्लो ऑफ करंट का प्रतिरोध करता है। ठीक बात है, रजिस्ट करता है, विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। ओके, ये बात यस हुआ था। सर। हमने रेजिस्टेंस को किससे डिनोट किया था? आर से। इसका यूनिट आर क्या होता है? इक्वल इसका टू यूनिट रो, होता है ओम। आर हाँ, इक्वल आर यस इज इक्वल टू, सर, रो बोलो, आर इज इक्वल टू एल क्या? अपॉन ए। रो एल अपाने। इसका यूनिट क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओ ओम एच ओम एम, सिंबल ऐसा है। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू तुमने पढ़ा है रो एल अपाने, जिसमें रो क्या है? यस सर। रो का नाम क्या है? रो, रो किसे रो कहते हैं? रजिस्टिविटी। अरे कल बताया था ना, रो इज रजिस्टिविटी। इसको कई बुक में तुम्हें स्पेसिफिक रजिस्टिविटी। रजिस्टेंस भी लुक कहते हैं, हाँ स्पेसिफिक रजिस्टेंस। सिस्टम। ठीक है, अगर हम रेजिस्टिविटी को उल्टा कर दें, 1/रो लिख दें, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। क्या है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। ठीक है, अब जिसका जिस जिसका सिग्मा जितना अच्छा हो, उतना अच्छा कंडक्टर। जैसे हमने बात की थी सिल्वर के बारे में। सिल्वर क्या होता है? बहुत ही अच्छा, सॉरी सिल्वर कर रहा हूँ, सिलिकॉन लिख दिया। एजी होता है उसका, एजी। एजी मतलब सिल्वर। सिल्वर क्या होता है? सिल्वर क्या होता है कि बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ तक हमने लास्ट टाइम में बात करी थी ना, सर। भूल गई क्या? अच्छा, और एक और हमने बात की थी कि जो रजिस्टिविटी है लेंथ पे डिपेंड करता है? नहीं, एरिया पे डिपेंड करता लेंथ है? एरिया नहीं, यस, किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर, रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन ओनली टेम्परेचर, नॉट टेम्परेचर, नॉट लेंथ एरिया। बट जो रजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? आर किस पे डिपेंड लेंथ करता है? एंड एरिया। लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर, तीनों पे डिपेंड करता है।
ठीक है, साइज शेप सब पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक क्लियर रहेगा। ठीक है, फिर चलो आगे बढ़ते हैं। ओके चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। हाँ, मैंने एक और चीज बताया था, गुलाम सलाम भी बताया था लास्ट में, उसका भी फॉर्मूला बोल दो कल का भी लेक्चर में। जो लोग नहीं जानते हो कल का लेक्चर देख सकते हैं। हमने गुलाम सलाह के बारे में भी बात की थी ना। गुलाम सलाह क्या बताता है? दो चार्ज के बीच लगने वाले किसको बताता है? फोर्स को बताता है, फोर्स के बीच में बताता है। मान लो एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, तो इनके बीच कितना फोर्स लगेगा? कितना फोर्स लगेगा बताओ? Q1 Q2 बस यही फोर्स लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? पहले चार्ज और दूसरे चार्ज, तुमने पढ़ा है ना, एक पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक फोर्स लगाते हैं। हाँ, तो कुछ फोर्स का उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? F इज इक्वल टू क्या होगा? K Q1 Q2 upon R square। याद है? भूल गए थे। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन, ठीक है, याद है कि भूल गए थे? इतना तुमको याद था। और K की वैल्यू क्या होती है? भूल गई थी। और K की वैल्यू क्या होती है? K किसके बराबर होता है? K की वैल्यू क्या होती है? 9×10⁻¹ SI यूनिट में। ठीक है, इतना पहले तुम ना नोट कर लो। ठीक है, एक बार नोट। ओके ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया है ना शिफा? तो ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे एक बेसिक सा सवाल है, आई थिंक कल एक क्वेश्चन मैंने करा भी दिया था। ये क्वेश्चन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बताओ पहले? यस सर, दिख रहा है। ये आपको करना है, सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन मैंने कल कराया था, लेकिन फिर भी आज आपसे उम्मीद रखता हूँ।
इसका 4 आ रहा होगा। क्या सी 4 आ रहा होगा? सी कैसे डियर, जरा बताएंगी? A wire of resistance R in radius R is drawn into another wire of 2R. एक वायर है जिसका लेंथ, जिसका रेजिस्टेंस R है और इसका रेडियस स्मॉल R है. अब क्या किया गया, इस वायर का रेडियस इसको और मोटा कर दिया गया, इस वायर का रेडियस 2R कर दिया गया. इस वायर का रेडियस कितना कर दिया गया, 2R कर दिया. तो R क्या हो जाएगा, R डैश मान लो, मान लिया कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा. तो हम पहले के लिए इक्वेशन लिखें, पहले के लिए दिस इज फर्स्ट. पहले के लिए क्या लिखेंगे, R बराबर क्या लिखेंगे, मान लिया इसकी रेजिस्टिविटी रो है, लेंथ L है, a पाई r स्क्वायर, ठीक है. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. अब दूसरे वायर के लिए लिखेंगे, रेजिस्टिविटी तो वही रहेगी, बदलेगी नहीं, पर लेंथ बदल जाएगा. तो मान लिया आर डैश बराबर रो, लेंथ क्या हो जाएगा, एल डैश हो जाएगा अपान एरिया क्या हो जाएगा, पाई टू आर का होल स्क्वायर. एम आई करेक्ट? यस सर. ठीक है, अब एल डैश निकालना है. तो चूंकि वायर क्या है, सेम है ना, तो वायर को काटा गया है ना ही वायर को अलग किया गया है तोड़ ओड़ के, तो वायर का मास सेम होगा, मास सेम होगा तो वॉल्यूम भी सेम होगा. तो लिख दो v1 बराबर v2, क्योंकि मुझे l डैश निकालना है कि अब कितना छोटा रह गया वायर अगर इसको मोटा करेंगे तो. तो ये क्या होगा, v1 कितना होगा, पाई r स्क्वायर इंटू l बराबर v2 कितना हो जाएगा, पाई 2r स्क्वायर. तो पाई 2r स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर इंटू एल डैश. एल डैश निकल गया, पाई से पाई उड़ा दो, एल डैश बराबर हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी उड़ा दो, एल बाई फोर. अच्छा यहाँ पे मैंने बहुत थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दिया था. हाँ अब ठीक है, अब एल डैश की वैल्यू रख दो, आर डैश बराबर रख दो, ये तो रो है, एल डैश को एल बाई फोर रख दो, तो एल बाई फोर रख दो और पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लो, और इधर क्या बचा, दो दो ना चार. अब रो एल बाई पाई आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से आर लिख सकता हूँ. तो लिख दो आर डैश बराबर आर अपान चार चौको 16. क्या दिक्कत है, नहीं समझ में आया, क्या गलती कर रही हो, क्या गलती कर रही हो बच्चा, क्या गलती कर रही थी बोलो. जुबैर क्वेश्चन करा था, जुबैर भाई सर एक क्वेश्चन करा था 104, मैंने होमवर्क भी दिया भी था कल सर. ये आपने परसों करवाया था सर? परसों करवाया था, हाँ करवाया भी था, कर रहा था उसके बाद. देखो फिर से करवाने के बाद भी शिफा ने गलती कर दी. चलो एक और क्वेश्चन करो. ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत कमी लोग करते हैं ऐसे क्वेश्चन. ये दिख रहा है, ये क्वेश्चन दिख रहा है, नहीं छोड़ो इसे मत करो. ये मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ाया अभी, कोई बात नहीं, मैं जब पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा दूंगा ना तो कर लेना, ठीक है. चलो इसको करो, 94 को करो, आई थिंक दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 94.
जुबैर, आंसर बताओ। हेलो मिस्टर जुबैर, शिफा, एम आई ऑडिबल और नॉट? नेट कट गया क्या मेरा? नेट तो है। हेलो गाइस, आंसर बताओ। किसी को सुनाई दे रहा है? हाफ द डायमीटर एंड हाफ यस द लेंथ ऑफ वायर। क्यों? एक वायर पी है, मान लो एक वायर पी है जिसके पास हाफ डायमीटर एंड हाफ द लेंथ हाफ वायर क्यू। मान लीजिए वायर क्यू का लेंथ क्या है? एल है। इसका डायमीटर क्या है? डी है। तो रेडियस मान लो इसका लेंथ एल है, रेडियस आर है, तो इसका क्या होगा? हाफ ऑफ द लेंथ एल बाई टू होगा, और इसका रेडियस क्या होगा? हाफ होगा, आर बाई टू होगा। द आर रेशियो बाई ऑफ टू रेजिस्टेंस ऑफ पी एंड क्यू। द रेशियो ऑफ, तो ये बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ पी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ क्यू क्या होगा। ये तो बहुत सिंपल सवाल है मेरे ख्याल से। तो कैसे लगाओगे? कैसे करोगे? रेजिस्टेंस आप पी क्या लिखोगे? रो एल बाई टू अपन इसका एरिया, अपॉन ए ठीक है, पाई आर स्क्वायर। एरिया को मैं एरिया को एक सिलेंडर का एरिया, जो ये वाला एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, देखो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये सर्किल तो ही है, ये सर्किल ही तो है, इसको मैं पाई आर सकते स्क्वायर नहीं लिख सकता। हाँ यार, जवाब दो। हैं मैंने लिख दिया। और ये जो आर क्यू है इसको भी लिखूंगा, रो एल बाई पाई आर एलोपोनेंट स्क्वायर, ठीक है, हो गया। चलो सॉल्व कर दो। रो से रो को खत्म कर दो, एल से एल को खत्म कर दो, और हाँ पाई से पाई को खत्म कर दो, तो क्या बचेगा? ए वन बाई टू बचेगा। ए ऊपर कितना चला जाएगा? फोर चला जाएगा। और इधर कितना बचेगा? आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर बचेगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर सहित कर दो, क्या बचा? 4/2 इज इक्वल टू 2:1। आंसर भाई कहाँ डाउट आ रहा था? जुबैर डाउट आ रही है ऐसे सवालों को हल करने में। जुबैर बताओ, सर। तभी तो मैं समझ पाऊंगा ना कि तुम लोग समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। सर ये फोर में ये कितना ना पड़ता है, ये मतलब दो दिन का समझ लो कि ये सब क्या हुआ? क्या हुआ? सर ये जो फॉर्मूला फिट हेलो। करना पड़ता है सर बेलन का, हाँ, सर ये दिक्कत हो रही हाँ है पता बिल्कुल। है वायर। नहीं, उसी उसी का फॉर्मूला, सिलेंडर बेलन का ही फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा ना। तुम देखो, तुम्हारे जो वायर है वो बेलन जैसा ही तो है, सिलेंड्रिकल ही तो है, तो लेंथ लेंथ तो ए हो जाएगा, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा। अगर ये सर्कल जैसा ही दिख रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया, तो मैं क्या लिखूंगा? पाई आर स्क्वायर है। हाँ या ना बोलो। सर चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन, उससे और क्लियर हो जाएगा। चलो आ जाओ। अगर मैं तुमसे ये कहता हूँ कि एल लेंथ का वायर है, ठीक है, एल लेंथ का वायर है, ठीक है, और जिसका रेडियस आर है, इसका रेजिस्टेंस हो गया आर। अब मैं कह रहा हूं आपने वायर को कंप्रेस करके इसका रेडियस एन आर बना दिया, एन टाइम्स ऑफ आर बना दिया, एन आर बना दिया, तो बताइए अब रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा? फाइंड द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ठीक है, सिंपल। कितने लोगों को बात समझ में आई? कितने लोग कर लेंगे? मोहम्मद अर्श कर लोगे? कितने लोग कर लेंगे गाइस? जुबैर अली,
ठीक है, इसे करो फिर, करो करो करो, देखो कितने लोग कर पाते हैं। नहीं आया किसी का? बोलो भाई, साइंस में बहुत कमजोर हो गया तुम लोग, यही बताओ। सर आर बटे एन स्क्वायर। हाँ, आर बटे एन स्क्वायर, बहुत अच्छा, देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए मैं आर का फॉर्मूला लिख दूं, आर बराबर क्या बोलोगे रोयल भाई? ये इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है, या नहीं है ये बताओ। जी नहीं ठीक है, मैं ट्रिक लगाना चाहूंगा, मैं इधर ना ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं बोलूंगा आर इज इक्वल टू रो वी बाई ए स्क्वायर। अच्छा, रो और वी कॉन्स्टेंट है कि नहीं है? तो मैं कह सकता हूँ आर प्रोपोर्शनल टू 1/a² कह सकता हूँ, हाँ या ना बोलो। अरे जी रो और वी कॉन्स्टेंट है, इसमें सिर्फ ए ही तो चेंज हो सकता है ना। ए बढ़ाओगे तो आर सही घटेगा, ए रहे। घटाओगे तो आर बढ़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं इसके अनुसार ये लिख सकता हूँ, R1/R2 बराबर A2 का स्क्वायर अपन A1 का स्क्वायर। इस बात से सहमत हो? बोलो। अरे यस बोलो सर यार, नहीं मैंने कहाँ से लिखा, समझ में आ रहा है ना? बोलो, हाँ या ना बताओ। अरे सरदार बताओ, बोलो। सर वायर का डिस्टेंस का एरिया। हाँ, मैंने मैंने आर प्रोपोर्शनल टू, मैं जब कह रहा हूँ कि 1/a² है, तो अब R1 क्या होगा, R1/R2 क्या होगा? इसका तो 1/a² इंटू 1/a² A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, तो ये हो गया A2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। नहीं नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ, मैंने फास्ट किया है थोड़ा, मुझे पता है, लेकिन ये तुम लोग को पता होगा पहले से, हाँ या ना? पता है कि नहीं पता है बताओ, हम और आराम से करेंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा चलो बताइए, इन्हीं को जब भी प्रोपोर्शनलिटी सॉल्व करना होता है तो कैसे करते हैं, थोड़ा देखना ध्यान से। जब भी प्रोपोर्शनलिटी सॉल्व करना होता है तो कैसे करते हैं, जुबैर ध्यान से देखो। हेलो गाइस, एम आई सर ऑडिबल? मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर ठीक है, तू बहुत ही ध्यान से देखो, पक्का तुम्हें समझ में आ जाएगा चीजें। अगर मैं कहता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं कह सकता हूँ ए प्रोपोर्शनल टू बी है, तो मैं लिख सकता हूँ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। ऐसा नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ यार, देखो
तुम बोल रहे हो ए प्रोपोर्शनल टू बी है, तो मतलब ए वन बराबर सी बी वन है, जिसमें सी क्या है, कॉन्स्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो कॉन्स्टेंट लगाया। अब मैं इसको अलग टाइम पे देखूंगा तो वो ए टू बन गया है, तो ए टू बराबर सी बी टू। अब मैं कह रहा हूँ इन दोनों को भाग दे दो, तो तुम क्या कहोगे, ए वन अपन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपन बी टू, खत्म। तो हम इस तरीके के चीजों को हम हमेशा इसमें लिख सकते हैं, हम अपनी सहूलियत के अनुसार आराम से ऐसा लिख सकते हैं। बात समझ में आई तुम्हें, बात समझ में आई, हाँ या ना में जवाब दो, जुबैर, यस सर, यस सर। हाँ या नहीं? नहीं, साइंस कमजोर है क्या तुम लोगों की? मैथ्स में तो अच्छा खासा बता लेते हो, साइंस सर में कोई केमिस्ट्री रिस्पॉन्ड नहीं। केमिस्ट्री कमजोर कमजोर, फिजिक्स तो तेज है ना, तो फिजिक्स में तो आंसर बताओ, फिजिक्स में भी नहीं बता रहे हो। हेलो शिफा, मोहम्मद अर्श, तो इस फॉर्मूले को सर। देखो, आर वन अपन आर टू इजल टू ए टू का स्क्वायर अपन ए वन का स्क्वायर, आर वन अपन आर टू इजल टू ए टू का स्क्वायर अपन ए वन का स्क्वायर। तो ये कितना आसान है, ए टू के बाद में कितना हो गया, ए टू, ए टू एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल का क्रॉस सेक्शन एरिया, सिलेंडर वायर तुम्हारा सिलेंड्रिकल है, बेलन बेलनकार वायर होता है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया पाई। आर कितना हो गया है, एन टाइम्स सम ऑफ आर हो गया इसका, दूसरे वाले वायर का, ए टू मतलब दूसरा वाला वायर, ए वन मतलब पहला वाला वायर, ठीक, तो इसका स्क्वायर अपान ए वन मतलब पाई, और इसका इसका रेडियस कितना है, आर ही है, तो क्या पाई आर स्क्वायर, आर वन अपान आर टू, ठीक है। अरे बोलो भाई, और उसका फिर बाद में स्क्वायर कर लीजिए, क्यों, क्योंकि ए टू का स्क्वायर है, ए टू यहाँ लिख दिया, ए वन यहाँ लिख दिया, बाद में उसका स्क्वायर है, तो अब मैं लिखूंगा आर वन अपन आर टू इजल टू आर, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ऊपर क्या बचा, एन के पावर फोर, तो मैं लिख सकता हूँ आर टू इजल टू आर अपॉन एन के पावर फोर, हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो। हेलो हेलो गाइस, बोलो यार जुबैर, ओके नहीं समझ आया, ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। कर पाएंगे। अच्छा तुम्हें एक ट्रिक बताऊं, ट्रिक ट्रिक बताऊं, हेलो एक ट्रिक बताते हैं, चलो दीजिए। ट्रिक, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो अगर वो बोले तुम्हें पता है कि आर जो होता है प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, आर बढ़ाओगे सॉरी लेंथ बढ़ाओगे तो वायर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये बात समझ गए यस हो, अगर आर लेंथ बढ़ाओगे तो वायर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये बात समझ गए हो। लेकिन अगर वो कभी भी बोले ना कि आर एल जो है दो गुना खींच के बढ़ा दिया गया, तीन गुना बढ़ा दिया गया, तो कुछ मत करना, ऐसा मान लेना अगर एल जो है एन टाइम्स बढ़ेगा, एन टाइम्स बढ़ेगा तो आर जो है एन स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा, समझ में आया, आर फाइनल जो हो जाएगा ना, आर फाइनल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर इंटू एन स्क्वायर, खत्म। अब इसको मैं डायरेक्ट तुम्हें सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, चलो अभी पीछे अपन लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये वाला वो क्या बोल रहा है, अनदर रेफरेंस टू आर, एक क्वेश्चन होगा, देखो मैं क्वेश्चन एक दिखा रहा हूँ और तुम वहां पे ना उसको अप्लाई करके देखना कि क्या जो मैंने बोला है अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 देखना, ये क्वेश्चन नंबर 89 देखो, क्वेश्चन नंबर 89, 89 देखो, द लेंथ ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज चेंज इन टू एन टाइम, लेंथ क्या कर दिया गया, एन टाइम चेंज कर दिया गया है, पहले लेंथ एल था, अब लेंथ क्या कर दिया गया, एन एन एल कर दिया गया है, तो अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर फाइनल कितना हो जाएगा, आर में एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, एन गुना आपने लेंथ बढ़ाया तो रेजिस्टेंस एन के स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा, आंसर क्या आना चाहिए,
बी ऑप्शन देखो। अरे बोलो भाई, पहले ट्रिक समझ में आया? हेलो, अरे कहाँ गए बच्चों? बच्चा लोग, वाई आर यू नॉट रिस्पॉन्डिंग? हेलो गाइस, नहीं समझ में आ रहा है? शिफा, मोहम्मद अर्श, जुबेर, क्या प्रॉब्लम है भाई लोग? मेरा नेट कट गया। हेलो हेलो, कोई हाँ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, क्या मसला चल रहा है? चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है, तुम लोग सुन लो, ठीक है। अभी अपने आपने क्या देखा इधर, कि अगर लेंथ को एन टाइम बढ़ाया जाएगा तो नया रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा? एन स्क्वायर गुना हो जाएगा। और अगर रेडियस को एन टाइम बढ़ाया जाएगा तो नया रेजिस्टेंस, अभी देखे थे ना, आर अपान एन के पावर फोर हो जाएगा। आर अपान एन के पावर फोर हो जाएगा। अभी हमने इधर देखा, इधर इधर देखा, ओके इधर देखा, आर अपान एन के पावर फोर हो जाएगा। इधर देखा, कहाँ गए? आर अपान एन के पावर फोर हो जाएगा, मतलब आपने रेडियस बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, घट गया। कितना घटा? उसके पावर फोर के गुना घट गया। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन में लेता हूँ, एक क्वेश्चन में लेता हूँ, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि रेजिस्टेंस शुरू में आर था और रेडियस स्मॉल आर था। अब रेडियस क्या कर दिया गया है, 2R कर दिया गया है, तो आर फाइनल क्या होगा? तो हमको आर फाइनल पता है, रेजिस्टेंस अपान जितना गुना बढ़ाया है ना उसका पावर फोर चढ़ा दीजिए, तो 2 गुना बढ़ाया है तो उसका पावर फोर चढ़ा दीजिए, तो यार अपान 16 हो गया आंसर। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। समझ में आया ट्रिक? समझ में आया? ड्रो नियरेस्ट। ओके सर, कितने लोग को ट्रिक समझ में आया? कितने लोग को ट्रिक समझ में आया? सर एक बार और समझाना प्लीज। अच्छा, कौन सा वाला समझाऊं, लेंथ वाला या फिर रेडियस सर वाला? अच्छा रेडियस वाला। देखो, एक बार और समझाता हूँ। अगर रेडियस आप दुगुना करेंगे, देखिए आप रेडियस एन गुना करेंगे, रेडियस यहाँ पे देखिए, अगर आप रेडियस एन गुना करेंगे, पहले मान लीजिए आर रेडियस का था, आपने मास कांस्टेंट रखते हुए रेडियस दुगुना कर दिया, एनआर कर दिया, एन टाइम्स बढ़ा दिया, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो घट जाएगा। कितना घटेगा? एन के हेलो पावर 4 टाइम्स घट जाएगा। इसका एक एग्जांपल यहाँ देखो, एक एग्जांपल देखो, क्या था ना कि रेजिस्टेंस आर था और रेडियस स्मॉल आर था। अब रेडियस को दूना किया गया है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो कुछ नहीं होगा, जो रेजिस्टेंस होगा इनिशियल रेजिस्टेंस का जितना गुना किया है उसके 4 गुना, उसके पावर में 4 गुना घट जाएगा। तो 2 गुना किया है तो उसके पावर 4 गुना घटा दो बस। तो आर अपान 16। कितनी बात, किसको मेरी बात समझ में आ गई? मुंडी सवाल है, आता है सर। और बच्चों से नहीं लगता है। समझ में आया? ओके सर, और लेंथ बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उतना के स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। तो अब मैं ना तुमसे ना क्वेश्चन पूछूंगा और तुम मुझे धड़ल्ले से आंसर देना। पहला, एक एल लेंथ का वायर था, ठीक है, इसके मास को इसका रेजिस्टेंस उस टाइम पे 10 ओम था, उस टाइम पे इस 10 ओम था। मैं इसके मास को कांस्टेंट करते हुए इसका लेंथ रख दिया, लेंथ कर दिया हूँ 2L, लेंथ कर दिया हूँ 2L। फाइंड आर फाइनल, डायरेक्ट आंसर दो। लेंथ वही है। चार चार ट्वेल्व लेंथ कितना गुना किए हो? 2 गुना किया दुगुना हूँ, किया, 2 गुना किया हूँ, चार तो गुना रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा? 2 के स्क्वायर चार गुना, गुना बस 40 ओम दो आंसर। तो 40। डायरेक्ट डायरेक्ट कर सकते हो? अरे यस बोलो सर यार, करूँ। अगर मैं कहूँ कि नहीं, एल लेंथ का है, एल लेंथ का है रेडियस, उसका रेडियस आर है, ठीक है, अब मैं R/3 रेडियस कर दिया हूँ, R/3 रेडियस कर दिया हूँ उस वायर का, R/3 रेडियस कर दिया हूँ, तो आप मुझे बताओ फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा? जब एल लेंथ और आर रेडियस का था तो रेजिस्टेंस 10 10 था, अब बताओ कि मुझे फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो क्या कैसे करोगे? पहले 3R कर लो यार, 3R कर लो, अभी R/3 पे भी कर लेंगे, मान लो 3R हो गया, ठीक है,
वेलेंस छोटी हो जाएगी। कैसे करेंगे हम, अब रेडियस बढ़ा रहे हैं ना, तो हमको पता है रेडियस बढ़ाने से क्या होता है, रेजिस्टेंस घटता है, तो इसका मतलब है नीचे वाली पार्ट में जाएगा, तो रेजिस्टेंस रेडियस बढ़ाया रेजिस्टेंस घटा, तो मैं कह सकता हूँ कि आर एफ इजिकल टू क्या, आर अपान कितना टाइम घटेगा, जितना टाइम रेडियस बढ़ाया हूँ उसके चार गुना टाइम घटेगा, चार उसके पावर चार गुना घट जाएगा, तो बस हो गया। रेजिस्टेंस इनिशियल 10 ओम था, तीन जो तीन तिली किलो 27 आंसर। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है मेरी, कि हाँ सर जो आप सही है जो आप कह रहे हो मैं समझ गया, हाँ या ना भी जवाब दो। जुबैर, अर्श, शिफा, जुबैर समझ में आया तुम्हें, हाँ नहीं हाँ समझ में आया बोलो, मैं और क्वेश्चन करवाऊंगा और करवा दे रहा हूँ तुम्हें, और क्लियर हो जाएगा। ये बताओ पहले समझ में आया कि नहीं आया, कोई मैसेज कर रहा है क्या, शिफा का मैसेज आ रहा है, यस बोलो जुबैर। यस सर। अच्छा तो एक तुम क्वेश्चन बताओ, चलो ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया ना कि क्वेश्चन है 20 ओम का रेजिस्टेंस है जिसके वायर की लेंथ 1 मीटर है, ठीक है, अगर मैं उस वायर को खींच के 4 मीटर का बना दिया गया तो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर। सॉल्व करके मुझे बताओ, जल्दी से सॉल्व करके बताओ भाई, जुबैर सॉल्व करके बता सकते हो पाएगा तुमसे सॉल्व, शिफा और अर्श तुम लोग भी आंसर बताओ यार, बहुत इजी वे में बताया हूं मैं, इसमें बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है कोई, तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हो ना तो यार फिर मूड खराब होने लगता है बच्चों। आंसर बताओ शिफा, चैट बॉक्स में ही लिख दो या फिर माइक ऑन करके बोलो। लिखो जल्दी इस चैट बॉक्स में। जुबैर नहीं समझ में आया क्या तुम्हें, जुबैर आई डोंट नो वाई आर यू नॉट रिस्पॉन्डिंग, बट मुझे पता है कि मैंने रेजिस्टेंस की लेंथ कितना गुना कर दिया है, देखो एक एक था चार कर दिया, तो मतलब लेंथ को मैंने चार गुना बढ़ा दिया, लेंथ कितना बना दिया, चार गुना बढ़ा दिया। अब अगर आपकी लेंथ चार गुना हो गई है तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही इजी है, फाइनल रेजिस्टेंस ऐसे होगा आर फाइनल इज इक्वल टू होगा, मास कांस्टेंट रखा गया है तो आर इनिशियल इंटू जितना गुना बढ़ाया गया उसका स्क्वायर, चार गुना बढ़ाया इसका स्क्वायर, तो क्या हो गया 16 × r, r कितना है 20 ओम है, चार गुना लेंथ बढ़ाए देखो कितना रेजिस्टेंस बढ़ गया, 320 ओम बन गया रेजिस्टेंस। समझ में आ गया, कितने लोगों को समझ में आ गया, मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूं या इसी पे रहोगे, फिर स्टार्ट कीजिए अगला ही आगे सब। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कितने आंसर आया था सर हमारे पर बताया नहीं था। तो बताए क्यों नहीं यार, बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा बच्चों को आ रहा है। अच्छा जुबेर ये ज्यादा लग बताओ, रहा था अगर मैं नहीं अगर मैं ये करने के बजाय, अगर ये करने के बजाय 1 मीटर करने के बजाय अगर मेरे अगर मैं लेंथ 0.25 मीटर कर देता तब आंसर क्या आता, 0.25 हाँ सर, 2y का स्क्वायर कर दे प्लस इनटू मतलब 20। हाँ करके आंसर बताओ डायरेक्ट, डायरेक्ट तुम कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, आंसर मुझे करके बताओ। सर 25 25 पर अच्छा 0.25 को 1/4 लिख के कर लो ना, क्यों 625 पे जा रहे हो, 0.25 मतलब 1/4 ही होता है ना, यस सर।
नहीं तो 1/4 कर लो, उसका सोलह स्क्वायर करना इजी होगा, ऐसे तो थोड़ा टफ होगा। सोलह कम 16 जी 1.2 कुछ आ रहा। बिल्कुल, देख लेते हैं क्या हो जाएगा। आर मल्टीप्लाई बाई जितना गुना किया गया है, तो कितना गुना किया गया है, 1/4 गुना किया गया है, देखो उसका स्क्वायर। सहमत हो मेरे बात से? 1. कितना, 2 2, ठीक है, इतना आएगा, खत्म। पास समझ में आ गया, 5/4 ओम आएगा, कितना ओम आएगा, 5/4 ओम। आंसर, एम आई राइट यस और नॉट? ठीक है, तो हमने रेजिस्टेंस के बारे में देख लिया। अब मुझे लगता है कि तुम रेजिस्टेंस पे आए हुए क्वेश्चन को, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तुम इतना याद रखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या तो सब्जेक्टिव टाइप का आएगा, नहीं तो आएगा तो, अगर इस टाइप का आएगा तो बहुत ही कम बच्चे लगाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो, हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट हम फिर से इलेक्ट्रिक सर्किट पे आते हैं, एक पीछे से छोटा सा बात करते हैं। अगर कोई वायर है तो क्या उसमें करंट पैदा हो जाएगा अपने आप? नहीं होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर फिर भी करंट नहीं पैदा होगा। करंट तब पैदा होगा जब हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं वायर को ना, मुझे पता है वायर में रेजिस्टेंस होगा, तो अब मैं वायर को ऐसे गोल गोल नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ ऐसे बना दूंगा, एक वायर जैसे ही बना दूंगा, एक लाइन ही बना दूंगा, और ये दिखा दूंगा कि इस वायर में एक रेजिस्टेंस है। बस रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा होता है, रेजिस्टेंस। देखो, देख के ही लग रहा है कि ये धारा को रोकना चाह रहा है। ठीक है, क्लियर? तो अब मुझे कैलकुलेट करना है। हमको पता है, अब हमने बैटरी लगा दिया, अब हमने बैटरी लगा दिया तो क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा ना। तुमने बैटरी लगा दिया है तो करंट फ्लो होने लगेगा। अब बताओ करंट फ्लो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, पहले तो ये बताओ जुबेर। बोलो जुबेर। पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। हाँ, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, बहुत अच्छे। तो अब मैं चाहता हूँ, मैंने वी वोल्ट की बैटरी लगाई है, इस वायर का रेजिस्टेंस आर है, मैं चाहता हूँ करंट निकालना। तो मैं करंट कैसे निकालूंगा, सिंपल तरीका है। इसके लिए हमें ओम्स लॉ पे जाना पड़ेगा, और यहीं पे मैं ओम्स लॉ को इंट्रोड्यूस, ठीक है, मैं ओम्स लॉ को इंट्रोड्यूस करता हूँ। ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ क्या था, कुछ नहीं था। ओम ने बोला V is था, equal to IR. हाँ, कि अगर कोई वायर है और वायर के टर्मिनल्स के अक्रॉस, मतलब वायर के टर्मिनल के अक्रॉस, ये दोनों टर्मिनल है ना, टर्मिनल फर्स्ट टर्मिनल टू, अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बी है, तो इसमें जो बहने वाली जो करंट होगी, वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगी। तो इसने कहा था कि वी प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटाइए तो कांस्टेंट लगाइए, ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस ही है, और इनटू आर, तो वी बराबर आई आर। याद रखोगे वी बराबर आई आर, ये कहाँ से आया, ओम्स लॉ से। और ओम्स लॉ ने क्या कहा था, ओम ने क्या कहा था, कि अगर अगर किसी वायर के टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी हो, तो उसमें बहने वाली करंट जो होगी पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगी। पहली बात समझ में आया? ओके सर, हेलो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज जो याद रखने वाली ये बात होती है ना, कि ऐसा तभी होगा यदि यदि वायर के फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट रखा जाए, खासकर टेम्परेचर को क्या रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखोगे तो आर क्या होने लगेगा, बदलने लगेगा। ठीक है, ठीक है जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको?
यस सर गाइस, ओम्स लॉ कब 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 अप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लीकेबल है ना जब इसकी फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रखा जाए, खासकर उस जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस टाइम पे वायर का टेम्परेचर चेंज मत करिए। अगर वायर का टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस ही बढ़ने लगेगा, है कि नहीं? तो फिजिकल स्टेट अगर आप कांस्टेंट रखते हैं तो जो वायर के सिरों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बहने वाली वायर में बहने वाली करंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से V बराबर IR आ गया। तो अब मैं चाहता हूँ ये जो नेटवर्क है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें करंट फाइंड करना। तो मैं बोलूंगा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल V है, का रेजिस्टेंस R, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R। समझ में आया? और I का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। बात समझ गए एम्पियर, गाइज? बात समझ में यस आया? सर। ठीक है, हमने ओम्स लॉ देख लिया, ठीक है, इसको भी देख लिया। अब अगर हमने ओम्स लॉ देख लिया तो हम और भी सारी चीजें देखना चाह रहे हैं कि ठीक है, हमने एक छोटा सा सर्किट बनाया हुआ है, देखो ध्यान से, ठीक है, एक छोटा सा सर्किट बनाया हुआ है। इसमें एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, ये भी वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ ना कि सब कुछ निकालूं। सब कुछ निकालने का मतलब हीट, या फिर इसको कह लो एनर्जी, ठीक है, करंट आई, ठीक है, और तीसरा चीज पावर, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, मतलब ये रेजिस्टेंस कितना पावर ले रहा है, पावर मतलब ये रेजिस्टेंस लोड ले रहा है ना, कितना लोड ले रहा है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रही है, या इससे कितना हीट जनरेट हो रहा है। हीट एक तरीके की एनर्जी है। तो हम सब कुछ निकालना चाहते हैं, और दिया गया है कि रेजिस्टेंस जो है आर है, और इसमें वी वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। तो मैं इसमें पहले करंट निकालना चाहूंगा, तो कैसे निकालूंगा, ओम्स लॉ का यूज कर लूं। यस सर, हेलो, ओम्स भी ओम एबल ओम्स लॉ क्या हो, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू क्या होगी, वी बाई आर। सहमत हो, हाँ या ना में जवाब दो। पहला आई निकल गया, हीट निकालना है, हीट निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा, हीट, दूसरा हीट निकालना है या एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला देखो क्या क्या होता है। अगर टी टाइम तक आपने वोल्ट बैटरी लगाई तो कितना हीट निकला इस टी टाइम में, उसका फॉर्मूला होता है वी आई टी। क्या होता है, वी आई टी। अब मान लो मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं आर के टर्म में निकालना चाह रहा हूँ वी को हटा के, तो मैं ऐसे वी की जगह पे आई आर लिख सकता हूँ, वी बराबर आई आर लिख सकता हूँ। पहला फॉर्मूला क्या हुआ, वी आई टी हुआ। इस बात से सहमत हो, हीट एनर्जी, हीट जो है उसका, हम अगर हीट हमको कभी निकालना होगा तो हम इस फार्मूले से निकालेंगे, किससे निकालेंगे, वी आई टी। मैं चाह रहा हूँ कि और फॉर्म बनाना, तो वी को कर दो तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। समझ में आया? हेलो हेलो गाइस, नहीं आ रहा है, बहुत ही इजी वे में पढ़ा रहा हूँ, इसमें कुछ समझने वाली चीज है ही नहीं, बस फॉर्मूला याद कर लो। अब हमको ओके सर, हीट, मैं पावर निकालना चाहता हूँ, तो पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो मैं पावर निकालना चाहूंगा तो मैं बोलूंगा ई अपान टी। ई ई की वैल्यू क्या है, वी आई टी अपान टी, टी से टी कट गया तो पावर क्या हो गया, वी आई। पावर क्या हो गया, वी आई। तो अगर कभी कभी मुझे वी दिया रहेगा तो और आई दिया रहेगा तो ये फार्मूला यूज करूंगा। मान लो वी नहीं दिया है, आर दिया है, तो V इज इक्वल टू आई आर लगा दूंगा तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। कभी कभी ऐसा होगा ना, आई नहीं दिया होगा, सिर्फ V दिया होगा और आर दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, आई को इलिमिनेट कर लेंगे, आई को V बाई आर लिख देंगे तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर, और यहाँ पे भी हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। कितने लोगों को समझ में आ गई मेरी बात, कि सर मैं किसी भी सर्किट में पावर, हीट, करंट सब निकाल दूंगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई, हाँ या ना में जवाब दो। बोलो गाइस, बोलो भाई,
कहाँ गया? बी बराबर आई। मैं एक बार और लिख देता हूँ, देखो आई निकालना हो तो क्या यूज करूंगा, बी बाई आर। दूसरा एनर्जी निकालना हो तो वी या आई स्क्वायर टी टी पहला, हाँ, या आई टी या फिर वी आई टी। बी अगर मुझे बराबर आई कभी टी मान लो ऐसा दिया कि वी नहीं दिया है, सिर्फ आई दिया है और आर दिया है, तो फार्मूला यूज करूंगा आई स्क्वायर आर टी। अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा दे दिया कि आई नहीं दिया है, सिर्फ वी दिया है और आर दिया है, तो वी स्क्वायर बाई आर। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। क्या होता है जूल? जूल। एनर्जी को किस में मापते हैं? जूल में, ये तो पढ़ा ही होगा। तीसरा, अगर मुझे कभी पावर निकालना हो तो पावर का फार्मूला क्या होता है? गया एनर्जी अपन टाइम, सारे में टाइम से डिवाइड कर दो। हाँ सॉरी, टी छूट, सारे में टाइम से डिवाइड कर दो। वी आई टी में टी से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा वी आई। आई स्क्वायर आर टी में टी से डिवाइड करोगे तो आई स्क्वायर आर, और वी स्क्वायर बाई आर में टी से डिवाइड करोगे तो वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। ठीक है, ये ऐसा यूनिट है, लेकिन इसके अलावा और भी यूनिट होते हैं। कौन सा? हॉर्स पावर। नाम सुना है? हॉर्स पावर। हर एक हॉर्स पावर में कितना वाट? वन हॉर्स पावर मतलब कितना वाट बोलो? वन हॉर्स पावर। एक और होता है किलो वाट घंटा, वो एनर्जी का किलो वाट, वाट किलो वाट। ठीक है, किलो वाट में कितना वाट? किलो मतलब 10 to the power 3, और वाट का वाट लिख दो। कितने लोगों को समझ में आया गाइस? हेलो गाइस, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो तुम लोग? कोई दिक्कत है तो बताओ। हॉर्स पावर 742 वाट, एक बार चेक कर लेना डाटा। ठीक है, अब एनर्जी का जो सबसे अच्छा यूनिट होता है ना हमारे घर में बिजली मापने का, वो होता है किलो वाट घंटा। क्या होता है? किलो वाट आवर। अब तुमसे बहुत बार पूछेगा ना किलो वाट हावर में कितना जूल है, तो कुछ नहीं, किलो वाट, किलो को पहले किलो वाट को हावर को जूल में बदलने के लिए पहले किलो को वाट में बदलो तो 10 to the power 3 वाट, और हावर को सेकंड में बदलो तो ये कितना हो गया? 3600 सेकंड। ये हो गया सेकंड। अब वाट सेकंड जूल हो गया, तो ये 3600 into 10 to the power 3 जूल हो जाएगा। तो 1 किलो वाट बराबर कितना हो गया? देखो, 2 3 2 5, तो 3.6 into 10 to the power 6 जूल। तो ये थोड़ा नोट करके लिख लेना, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किलो वाट हावर बराबर कितना होता है। किलो वाट हावर बराबर कितना जूल होता है? तो 3.6 into 10 to the power 6 जूल होता है। ठीक है, और एक किसका ओके यूनिट होता है? सर, किलो वाट हावर। वाट दिख रहा है तो पावर मत समझ लेना, उसके साथ हावर लगा हुआ है। वाट इंटू हावर, वाट इंटू सेकेंड जूल होता है। तो एक किसका यूनिट है? किलो वाट घंटा। किलो वाट घंटा किसका यूनिट है? किलो वाट हावर किसका यूनिट है? एनर्जी का। किसका? एनर्जी का। किसका यूनिट है? एनर्जी का। देखो जूल में आ रहा है ना, जूल में, तो दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो तुम निकाल सकते हो किसी भी सर्किट में, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर, एनर्जी, सब कुछ निकाल सकते हो। करंट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो बोलो? चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ। देर इज अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, एक वी वोल्ट की बैटरी लगी है, इसमें से 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो फाइंड द वोल्टेज ऑफ बैटरी।
चलो कितने लोग बता सकते हैं कि सर मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मैं आंसर बता दूंगा। फाइव आ रहा यही है आंसर। एनर्जी, आंसर 5 आ रहा है। कैसे भाई, हमको आई दे दिया गया है, आई 5 ओम, पाई 5 एम्पियर, आर दे दिया गया है 5 ओम, तो हमको सॉरी सॉरी वी सर, सॉरी बराबर सॉरी वी निकालना है। वी बराबर होता है आई आर, तो हो गया 5 × 5 = 25 वोल्टेज निकल गया 25 वोल्ट। अब मुझे निकालना है सर। एनर्जी, अब एनर्जी निकालनी है, इसकी एनर्जी निकालनी है कितने में, 1 घंटे में कितनी एनर्जी या हीट निकालना है। तो हम एनर्जी का फार्मूला क्या पढ़े हैं, वी आई टी पढ़े हैं, या फिर आई स्क्वायर आर टी पढ़े हैं, या फिर वी स्क्वायर अपन आर टी पढ़े, कोई भी यूज कर लेंगे, कोई एक याद रख लेंगे, बाकी सब तो निकल ही जाएगा, सब एक ही से तो डिराइव होके आए हैं। तो हम क्या निकाल रहे हैं, हमको आई पता है और आर पता है, तो कौन सा फार्मूला लगा दूं, आई स्क्वायर आर टी लगा दूं, तो एनर्जी हो यस जाएगा सर, आई स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाई, आर कितना आई है 5, और पच्चीस टाइम पच्चीस कितना है 1 घंटा, पच्चीस 1 घंटा को सेकंड में बदल के रखना होगा ASI में, तो ये 3600 हो गया, हो गया सॉल्व। सर, बस पावर पूछा सॉरी गया है, तो हमको क्या पता है, पावर का फार्मूला हमने पढ़ा है, VI पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, आई स्क्वायर आर पढ़ा है, और वी स्क्वायर बाई आर पढ़ा है। तो मुझे क्या क्या पता है, आई पता है और आर पता है, तो मैं ये वाला लगाना प्रेफर करूंगा, आई स्क्वायर आर क्या होगा, 25 × 5 125 वाट, हाँ या ना। कोई टफ था क्या भाई, ओके सर, सर टफ आगे था सर क्या, तीनों। अरे सिंपल था यार। यस सर, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई कि हाँ सर समझ में आ रहा है, बहुत लल्लू सा था, ठीक है समझ में आ गया ना, एनर्जी हीट वगैरह सब निकाल दोगे ना, एनर्जी हीट पावर सब निकाल दोगे ना, ये पावर इसे सब निकाल देंगे। ठीक है। चलो अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा तुम्हारे लेवल पे इंपॉर्टेंट यही है। क्या टाइम हो गया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8:41 हो गया, नहीं नहीं खत्म हो पाएगा, चलो एक दिन और लगेगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, ठीक है। और यार गाइस तुम लोग टाइम से क्यों नहीं आ जाते हो, क्या दिक्कत रहता है, याशीन कहाँ रह गए थे, बोलो याशीन भाई, हेलो कहाँ चले गए सब, पता नहीं इन सब का आंसर कोई रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है, मेरा नेट भी सही है भी। चलो कोई नहीं यार, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब देख रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के लिए, जैसे ऐसा तुम सोचो, अगर तुमको मान तुम चाह तुमको मान लो मुझे 72 रुपया देना है या 7200 देना है, ठीक है, अगर तुम चाहते हो किसी को 72 रुपया देना, तो क्या 72 रुपये का नोट देते हो, क्या 72 रुपये का नोट लाके थमा देते हो, या 72 रुपये का सिक्का लाके थमा देते हो, नहीं ना, कैसे देते हो बताओ भाई जुबेर, कैसे देते हो बोलो, कोई रिस्पॉन्ड नहीं है किसी का, खैर छोड़ो मैं नहीं बताऊंगा, आगे चलते हैं, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को दो तरीके से कंबाइन किया जा सकता है, पहला तरीका ऐसा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। जिसको हम कहते हैं समांतर क्रम, ठीक है बच्चे लोग। अब एक्चुअली जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मार्केट में हर हर ओम का रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है ना, अब मार्केट जो अपना है उसमें हर ओम का रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है, तो हमें ऐसे रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ी जो क्या कर सकता था, ऐसे रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ी जो, जैसे हम मान लो अगर मुझे मार्केट में किसी को 100 200 150 देना है, 100
49 रुपए देना है तो कैसे दूंगा मैं, 100 रुपए का नोट दूंगा, फिर 10 10 का 4 नोट दे दूंगा, फिर सिक्का दे दूंगा नोटे। तो मैं इन सबको मिला के, एक मिला के कम्बिनेशन बना के दे रहा हूँ ना, ऐसा तो है नहीं कि मैं 49 रुपए का नोट दे दिया, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। उसी तरीके से मार्केट में हर रूम का रेजिस्टेंस नहीं अवेलेबल है, कुछ रेजिस्टेंस है जो अवेलेबल है। जैसे हमारे मार्केट में कुछ ही सिक्के, कुछ ही नोट हैं जो अवेलेबल हैं, जैसे 10 का 20 का 50 का 100 का 2000 का, और कुछ सिक्के अवेलेबल हैं। उसी तरीके से कुछ ही अवेलेबल है, मान लो 1 ओम 2 ओम 5 ओम 10 ओम 100 ओम 1000 ओम ऐसे ही अवेलेबल है। तो अगर मुझे कोई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बनाना है तो मैं उनको क्या करूंगा, जोड़ जाड़ के बनाऊंगा। तो दो नियम है रेजिस्टेंस को जोड़ने का, पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में जब भी रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो डायरेक्ट डायरेक्ट जोड़ेंगे। अगर मान लो एक रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस R2 है, अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है। अगर इन दोनों को जोड़ के RNet बनाना है तो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट जोड़ूंगा R1 + R2, दिस इज श्रेणी क्रम। और अगर पैरेलल क्रम में जोड़ना होगा ना, तो जो RNet आएगा उल्टा जुड़ के आएगा 1/R1 + 1/R2। इसको हम देखते हैं सर्किट में कैसे अप्लाई करना है। अभी मैं फॉर्मूला नहीं सिखा रहा, अभी तो मैं बस जस्ट इंट्रोडक्शन दिया। सपोज दैट पहले हम ये पहचानेंगे कि श्रेणी क्रम कहेंगे किसे, कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे। तो अगर सीरीज का, अगर रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन ऐसा हो कि पहला रेजिस्टेंस है, पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा, ये मान लो R1 है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है, पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा और दूसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा, फिर दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा और तीसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा, अगर ऐसे जुड़ा हो तो दैट्स कॉल्ड श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम पहचानने का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि जो करंट जा रही है वो अगर करंट सारे रेजिस्टेंस से सेम करंट होके जाए तो क्या होगा, श्रेणी क्रम होगा। मतलब अगर I जो है कांस्टेंट है, I जो है इक्वल है इन ईच रेजिस्टेंस, देन आर नेट विल बी इन श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आया? इस अगर मैं कहूं हम ए से बी गए, बी से सी आए, और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है 10 ओम का, तो ए से सी तक जाने में जो 5 ओम और 10 ओम है वो सीरीज में है या पैरेलल में या किसी और में, बताइए। बिल्कुल सीरीज में है, क्यों? क्योंकि अगर ए से करंट बहना स्टार्ट होगा तो ये बी इसमें भी जाएगा, बी से सी में भी जाएगा, जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी। मतलब दोनों रेजिस्टेंस में क्या है, सेम धारा है। अगर करंट इक्वल हो गया, करंट सेम हो गया, तो एक कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में कहलाएगा। ठीक है गाइस, गाइस मैं ऑडिबल और नॉट? यस सर, ठीक है, ओके। तो ये कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में कहलाएगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ने का सबसे सरल तरीका क्या होता है, जो आरनेट होता है वो क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3, जितने हैं डायरेक्ट डायरेक्ट जोड़ दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आरनेट का मतलब ध्यान से समझना, अगर मैं 1 ओम लेता हूँ, 1 2 ओम लेता हूँ, 1 3 ओम का लेता हूँ, 1 4 ओम का लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इन तीनों के जगह मैं एक ही रेजिस्टेंस लगाऊं। मैं कहता हूं नहीं भाई, मुझे 3 रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, मुझे एक ही रेजिस्टेंस चाहिए और जो इनके नेट के बराबर हो, जो इनके नेट के बराबर हो, मतलब ये जितना तीनों मिलके पावर लेना उतना मेरा अकेले लोड दे, ठीक है, जितने तीनों मिलके लोड दे रहे हैं वही लोड मेरा अकेले का हो ले, मुझे एक ही रेजिस्टेंस दो। तो तुम बोलोगे कि इसका इक्विवेलेंट ले लो, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, ये तीनों किस में है, सीरीज में है,
तो मैं इन तीनों को मिटाकर इन तीनों को मिटाकर इन तीनों को मिटाकर इसकी जगह एक आर इक्विवेलेंट लगा दूंगा। तो मैं मिटाने के बजाय मैं एक अलग फिगर में दिखा दे रहा हूं, मैं इनके जगह एक आर इक्विवेलेंट लगा दिया। जो इन तीनों को मिला के जो आ रहा है ना उसके बराबर है, आर इक्विवेलेंट जो इन तीनों को मिला के आ रहा है कॉम्बिनेशन उसके बराबर है। ये तीनों मिलके जितना काम करना है ना उतना आर इक्विवेलेंट अकेले काम करेगा, ठीक है। तो इन्हीं का जो तीनों का कॉम्बिनेशन है वो आर इक्विवेलेंट के बराबर होगा। और ये तीनों किस में है, सीरीज में है। देखो जो करंट इसमें जाएगी वो इसमें जाएगी, वही इसमें जाएगी वही इसमें जाएगी और यहाँ से वापस आ जाएगी, तो ये सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है कि आर इक्विवेलेंट निकालना होता है। इक्विवेलेंट मतलब इन तीनों को मिलाकर फाइनल जो आए, तो जो होता है वो आर वन होता है प्लस आर टू होता है प्लस आर थ्री होता है। तो मैं लिख दूं आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 या 9। 9 अगर मैं इसके तीन को लगाने के बजाय, अगर इन तीन को लगाने के बजाय 1 ओम एक 9 ओम का रेजिस्टेंस लगा देता, तो जितना तीनों मिलके काम कर रहे हैं वो सिर्फ अकेले 9 ओम का रेजिस्टेंस काम करेगा। बात समझ में आया सबको, सीरीज कॉम्बिनेशन निकालने आया। सर वैसे भी सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना बहुत टफ नहीं होता है, जब कंबाइन करके आएगा तब मजा आएगा, ठीक है। अभी तो बहुत इजी है। तो हम लोग कल से पढ़ेंगे पैरेलल, कल हमें इसको खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। और करंट के क्वेश्चन अब तुम लोग कल से लगाना स्टार्ट कर दो ना, ठीक है। ठीक है ना भाई, कल ही करंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री का एक चैप्टर खत्म कर दें क्या, या फिजिक्स ही पढ़ लें, बोलो गाइस। सर पहले फिजिक्स ही या करवा शीम दो। फिजिक्स ही करवा दें, चलो ठीक है करा देंगे। कोई सुनिए, हाँ ये बताओ तुम लोग करंट समझ में आ रहा है। यार अब पता है आज मैं ना सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा दिया होता, तुम लोग यार तुम लोग टाइम से क्यों नहीं आ रहे हो, यासीन इतना लेट क्यों आ रहे हो। सो गए, कॉल भी किया था तुम्हें, हसान तो हसान भी नहीं आ रहा है, तो टाइम चेंज करवा लो ना, अगर नहीं दिक्कत दिक्कत ज्यादा हो रहा है तो, अगर ज्यादा दिक्कत हो तो टाइम चेंज करवा लो, नहीं तो कम से कम ऐसे करने से थोड़ी ना मतलब है। अगर इस टाइम में इशू है तो बोल देना, टाइम चेंज कर देंगे हम लोग, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन क्लास में डेली ठीक रहो यार, 4 बच्चे हो, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार तो हमारे कोचिंग का क्या रहेगा यार। मतलब और कोचिंग वाले भी यही कहेंगे कि मतलब कुछ सिलेक्शन नहीं हुआ, तो यार ऐसा मत करना, तुम लोग टाइम से आओ, ठीक है। सिलेबस में लगभग कंप्लीट करवा दूंगा। और यार जुबैर देखो, जब तक तुम्हारा एग्जाम है तब तक मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना सिलेबस हो जाए, ठीक है। और मोस्टली सिलेबस हो जाएगा अगर तुम लोग डेली दोनों क्लास में आए तब, जैसे कल क्लास स्टार्ट किया था कोई आया ही नहीं, 15 20 मिनट वेट करते रह गया, ये गलत बात है भाई, डेली आया करो, ठीक है गाइस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय। कितने बजे आज का लेक्चर रखें, शाम वाला मैथ्स का, 6 बजे बोलो। रखते हैं। कितने बजे रख सर लें, 5 बजे ही रहने दें। सर 5 बजे। 5 बजे तुम सर लोग पांच पांच बजे रहने दें। आओगे ना, सब 5 बजे आओगे तो ना, यस सर। ठीक है 5 बजे आना सभी लोग, कोई लेट नहीं करेगा, ठीक है। मैं जबकि टेलीग्राम पे मैसेज भी करता हूँ, टीचमेंट की तरफ से भी मैसेज आता होगा नोटिफिकेशन कि क्लास स्टार्ट हो गया है, फिर भी तुम लोग पता नहीं क्या करते हो। 5 बजे मिलते हैं, ठीक है, बाय।